ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी उबर को 7000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह भारत में उबर फूड डिलीवरी बिजनेस में हुआ घाटा है। उबर ईट्स का मुनाफा 12% से घटकर 8% पर पहुंच गया है। कंपनी का कहना है कि स्विगी और जोमेटो के साथ डिस्काउंट वॉर की वजह से उसके मुनाफे में कमी आई है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी उबर ने गुरुवार को अपना पहला कारोबारी नतीजा जारी किया, जिसमें उसने 31 मार्च 2019 की तिमाही में $1 अरब के नुकसान के आंकड़े पेश किए, जबकि कंपनी की आय लगभग 20% बढ़कर $3.1 अरब पर पहुंच गई है। कंपनी ने कहा कि फूड डिलीवरी कारोबार के मुनाफे में गिरावट के अलावा ऑनलाइन कैब कारोबार में ड्राइवरों और राइडरों को दिए गए ऑफर्स का भी उसके बिजनेस पर निगेटिव असर पड़ा है। उबर के मुताबिक ओवरऑल बुकिंग वैल्यू का उसका मुनाफा 4% गिरकर 18% रह गया है। जानकारों का मानना है कि बाजार में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए डिस्काउंट वॉर का दौर चल रहा है। इस बीच उबर ईट्स बाजार में तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन स्विगी और जोमेटो से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। उबर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेल्सन चाई का कहना है कि ग्रॉस बुकिंग के अनुपात में हमारा ANR 400 आधार अंक 4% गिरकर 18% पर पहुंच गया है, जिसका कारण उबर ईट्स है। खासकर भारत में ग्राहकों, ड्राइवरों और रेस्तरां को मिलने वाले इंसेंटिव के कारण उबर ईट्स का टेक रेट साल दर साल के आधार पर 12% से घटकर 8% पर पहुंच गया है। चाई ने कहा कि बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उबर ईट्स डिस्काउंट के सहारे अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है।